नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, ये गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की एक पुरानी बिल्डिंग है प्रयागराज ज़िले में, जो कि सिविल लाइन में स्थित है और पत्थर गिरजाघर यहाँ से काफ़ी नियर है। ये ओल्ड बिल्डिंग अपने ज़माने की एक मॉन्यूमेंट है। इसने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। अंग्रेज़ों के ज़माने की ये बिल्डिंग लाल किले से कम नहीं है स्त्री शिक्षा के मामले में। एक शानदार बिल्डिंग है और यहाँ पर GGIC गर्ल्स इंटर कॉलेज चलता था अपने ज़माने में। एक शानदार बिल्डिंग है, अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए स्त्री शिक्षा का। ये अंदर का व्यू है इसके, सामने आप देख रहे हैं ईंटे से बनी हुई पूरी नक्काशीदार दीवारें हैं, ऊंची छत है जिससे हवा का बहाव काफ़ी अच्छा होता है और बेहतरीन यहाँ की बनावट का कुशल कारीगरी का तो क्या ही आपका जवाब बनता नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी सीमेंट या बालू का इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये सब पूरा सुर्खी से बनी हुई दीवारें हैं और इनमें बालू, सीमेंट, सरिया इन सब का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर आप छत का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो आप में कहीं बालू, सीमेंट या सरिया कोई इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिखेगा। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं जो कि काफ़ी चौड़ी है। ऊपर का ये हिस्सा देख रहे हैं जो कि सजाया गया था कपड़े के द्वारा और इसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई थी। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ एकदम काफ़ी बड़ी सी चौड़ी सी हैं ताकि आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और जब हम ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं तो सामने का व्यू अद्भुत लगता है। छत की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये मिट्टी में आग पर पकी हुई प्लेट हैं जो कि लकड़ी के स्ट्रक्चर पर टिकाई गई है। इसका आकार पिरामिड के आकार से मिलता जुलता है, अंदर और बाहर दोनों से ही खूबसूरत लगती है। छत काफ़ी जर्जर अवस्था में, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये छत है और सामने आपको पत्थर गिरजाघर की मीनारें दिख रही हैं। बाहर का व्यू काफ़ी खूबसूरत है। अंदर चल के देखते हैं इसके क्या है। गंदगी यहाँ पे काफ़ी पड़ी हुई है। अगर इस इमारत की कुछ देखरेख होती तो अच्छा होता, क्योंकि काफ़ी समय से ये अबैंडेंड है। लगभग 4 साल से यहाँ पर एजुकेशन बंद कर दी गई है। जो यहाँ का स्कूल था गर्ल्स एजुकेशन का, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। देखिए काफ़ी गंदगी यहाँ पर अभी पड़ी हुई है। ये ऊपर की माले का, पीछे के गलियारे का ओवरव्यू है। ये इसका पूरा गलियारा दिख रहा है जहाँ से हम किसी भी कमरे में जा सकते हैं। मोटी मोटी इसकी दीवारें हैं। इस बिल्डिंग के एंट्री पॉइंट पर 1886 बना हुआ है, यानी अंग्रेज़ों के समय में ये बिल्डिंग 1886 के आसपास तैयार हुई है। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि उस समय पढ़ाई शुरू हुई थी कि नहीं, या आज़ादी के बाद यहाँ पर पढ़ाई शुरू की गई थी, क्योंकि पता ये भी चला है कि शायद ये गेस्ट हाउस था यहाँ पर रुकने के लिए। जो भी अपडेट होगा वो आपको आगे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये बैक साइड का व्यू है, छोटी सीढ़ी जो कि ऊपर जाने के लिए बनाई गई है। काफ़ी खूबसूरत लगती है अगर आप प्रत्यक्ष देखें तो।
हेलो दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप? भविष्य किसने देखा है? हो सकता है ये बिल्डिंग हमेशा ना रहे, यहाँ पर कोई शॉपिंग मॉल बन जाए, क्योंकि शहर के हाट पर है और काफ़ी कीमती ज़मीन है यहाँ की, और ये बिल्डिंग भी काफ़ी जर्जर हो चुकी है। हालांकि अगर इसकी रिपेयरिंग हो जाए और किसी तरह से मेंटेनेंस करके इसको काम चलाया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। कभी इस रोड पर फूलों से भरे हुए पेड़ होते थे, चर्च और ये स्कूल इतना खूबसूरत लगता था कि आपको एक बैग लगता था कि कहीं हम लंदन में तो नहीं हैं, इतनी खूबसूरती थी यहाँ पर। हालांकि अब काफ़ी स्ट्रक्चर बदल गया है।